अपने विवादित बयानों से चर्चाओं में रहने वाले लेखक जावेद अख्तर इन दिनों फिर चर्चाओं में हैं। आपको बता दें कि मोदी सरकार पर तंज कसते हुए जावेद अख्तर ने कहा कि अक्सर लोगों की डिग्रियां खो जाती हैं। दरअसल जेएनयू प्रशासन की ओर से रोमिला थापर को भेजे गए पत्र के बाद से जेएनयू का माहौल काफी गर्मा गया है। आपको बता दें रोमिला को पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोमिला थापर को इसलिए पत्र भेजा गया है ताकि वो अपना सीवी जेएनयू प्रशासन को जमा करवाएं। वहीं सीवी चेक करने के बाद ही प्रशासन आगे का कदम बढ़ाएगा। और इसी मामले पर लेखक जावेद अख्तर ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि कम से कम रोमिला थापर के पास सीवी तो है, यहाँ तो लोगों की डिग्रियाँ ही गायब हो जाती हैं और लोग बहाने बनाने लगते हैं। आपको बता दें जावेद अख्तर ने ये ट्वीट कांग्रेस नेता शशि थरूर के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए लिखा, जिसमें उन्होंने कहा था जेएनयू ने रोमिला थापर को उनकी प्रोफेसर एमरिटा स्थित जारी रखने के लिए सीवी प्रस्तुत करने के लिए कहा, यह अपमान से भी बदतर है। यह शिक्षा के मूल्यों और सिद्धांतों और बौद्धिक योग्यता के लिए एक अपराध है। क्या जेएनयू इससे भी नीचे गिर सकता है? आपको बता दें जावेद अख्तर पहले भी कई मामलों पर इस तरह का ट्वीट कर चुके हैं जो कि सही नहीं था। वेब 23 न्यूज़ के लिए राहुल की रिपोर्ट।